76 मिनट में 76 रन और बदल गए पूरे WTC फाइनल की तस्वीर। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक पूर्व कप्तान और एक करंट कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीर है ये मैच की है, बट मैच खत्म होने के बाद यही माहौल होगा पूरे ड्रेसिंग रूम में और यही माहौल होगा टीम मैनेजमेंट में, क्योंकि इंदौर टेस्ट जो तीसरा टेस्ट मैच था बॉर्डर गावस्कर सीरीज का, वो भारत बुरी तरह से हार चुकी है। हारा नहीं है, रौंदा है ऑस्ट्रेलिया ने, 9 विकेट से रौंदा है और तीसरे दिन के पहली सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच खत्म कर दिया। और WTC फाइनल की जो तस्वीर जो साफ नजर आ रही थी इससे पहले इंडिया के लिए, वो अब धुंधली हो गई है, क्योंकि अब खतरा जो है मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है WTC फाइनल के स्पॉट पर, साथ ही साथ रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर तीसरा टेस्ट मैच जो भारत हारी है उसका रिजल्ट WTC के फाइनल पर क्या पड़ा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई पॉइंट टेबल का क्या हाल है WTC में, कि ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, इंडिया कहां पर है और श्रीलंका जो कि फाइनल में पहुंच सकती है वो कहां पर है। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो भाई पहली पोजीशन पर वो काबिज है, क्वालिफाई कर चुकी है ओवर में जो 7 जून से WTC फाइनल होना है। 68.52% ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर बात करें भारत की तो 60.29% के साथ भारत नंबर 2 की पोजीशन पर है और श्रीलंका जो है वो तीसरे नंबर पर है 53.33%। तो ये है टॉप 3 रैंकिंग। अब अगर बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो भाई जो 9 मार्च से जो चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर भारत को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भारत जीतता है तो ये सीरीज हो जाएगी 3-1 और भारत क्लियरली मतलब बिना किसी रुकावट के WTC फाइनल में प्रवेश कर जाएगा, जो 7 जून से इंग्लैंड के दी ओवर में होना है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी फाइनल। पर अगर इंडिया अहमदाबाद वाला टेस्ट हार जाती है तो फिर इंडिया को श्रीलंका पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी अपने पड़ोसी देश से मेहरबानी की गुजारिश करनी पड़ेगी कि भाई आप किसी भी तरह वो सीरीज जो है जो न्यूजीलैंड के साथ खेलनी है वो आप हार जाओ या फिर ड्रॉ कर लो, या आप अगर जीतो भी तो 2-0 से ना जीतो, क्योंकि श्रीलंका को न्यूजीलैंड के साथ मार्च में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। खास बात यह है वो सीरीज जो है न्यूजीलैंड में होगी, यानी कि श्रीलंका को न्यूजीलैंड में जाकर उनके घर में 2-0 से हराना पड़ेगा, तब जाकर श्रीलंका फाइनल में पहुंचेगी। तो सिनेरियो यह है कि या तो इंडिया तीसरा आखिरी जो टेस्ट मैच है चौथा वो जीत जाए और क्लियरली फाइनल में प्रवेश करना कर जाए, उसके बाद श्रीलंका का जो है जो भी चांसेस है वो खत्म हो जाएगा। बट अगर इंडिया वो मैच हारती है, यानी कि अहमदाबाद टेस्ट हारती है या फिर ड्रॉ भी करती मान लीजिए, तो फिर इंडिया डिपेंड हो जाएगी श्रीलंका पर। अब श्रीलंका न्यूजीलैंड का क्या सिनेरियो होना चाहिए, या तो श्रीलंका वो सीरीज हार जाए 2-0 से न्यूजीलैंड से हार जाए, या फिर 1-0 से न्यूजीलैंड से हार जाए, या दोनों मैच ड्रॉ हो जाए, या फिर श्रीलंका अगर एक भी जीते तो भी इंडिया ही पहुंचेगी, यानी कि श्रीलंका को दोनों टेस्ट मैच जीतना जरूरी है तब जाकर श्रीलंका पहुंचेगी WTC के फाइनल में। बट अगर उससे पहले इंडिया ने अगर चौथा मुकाबला अपने नाम कर लिया तो भाई फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा और रोहित शर्मा बनाम पैट कमिंस, इंग्लैंड का दी ओवल का मैदान और 7 जून की वो डेट। तो ये है WTC फाइनल का पूरा सिनेरियो। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्या चौथा टेस्ट मैच भारत जीतेगा या फिर ड्रॉ होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और अगर भारत कहीं ना कहीं वहां पीछे रह गया तो क्या श्रीलंका कोई चमत्कार करके न्यूजीलैंड को हराकर क्या WTC फाइनल के टिकट कंफर्म करा पाएगी या नहीं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।